मैं सभी आगंतुक महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। तेरी रहमत से माँ सरस्वती हम सबको विद्या का वरदान हो, हम सबको विद्या का वरदान हो। तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अनशन का अंधेरा, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। चौधरी चरण सिंह विद्यालय परिवार शिक्षा समिति, तो समस्त चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो, ज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाए हम, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाए हम, दो ज्ञान राग माँ तुम वाणी में मधुरता दो, ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, का ज्ञान नहीं शब्दों में सार नहीं, तुम्हें आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं, संगीत समंदर से सरताल हमें दे दो, ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, भक्ति न शक्ति है शब्दों का ज्ञान नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं, गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो। भूले नफरत देश घना, मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, आओ एक दूजे के मन में प्रेम का दीप जलाएंगे, आओ एक दूजे के मन में प्रेम का दीप जलाएंगे। स्वागत कीजिए हमारे सभी आगंतुक महानुभवों का, शिक्षक वृंदों का,
और सभी आज के गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है मन से, स्वागत है। I'm
देखी है, रहमत भी देखी है आपकी, रहनुमाई भी देखी है, रहमत भी देखी है आपकी, रहनुमाई भी देखी है। यूं तो बहुत लोग मिलते हैं जीवन में, यूं तो बहुत लोग मिलते हैं जीवन में, पर आप जैसे शख्सियत कम ही मिलते हैं। जी अध्यक्ष चौधरी विकास समिति श्रीमान दिनेश जी बुंदेल साहब, श्रीमान दिनेश जी बुंदेल साहब, स्वागत करके आपका, स्वागत करके आपका निभा रही है परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। We'll be right back.
सुल्तान सागरमल जी चौधरी साहब, आज मैं जो कुछ आपको दिख रहा हूँ इस मंच तक आके पहुंचा हूँ, उसमें शिक्षा के रूप में मेरी सिद्धि को मजबूत करने वाले मुख्य अतिथि के रूप विशिष्ट अतिथि के रूप में आज विराजमान है, सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे गार्जियन और शिक्षा समिति के गार्जियन के रूप में भूमिका निभाने वाले आदरणीय आनंदी लाल जी, सादर रामलाल, इस शिक्षा समिति के डायरेक्टर हरिराम जी चौधरी साहब, सरस्वती विद्या मंदिर के डायरेक्टर यादव साहब, माहौल साहब, प्रिंसिपल मैडम, प्यारे बच्चों और बाहर से पधारे हुए पुराने छात्र जो इस विद्यालय में विद्या ग्रहण करके गए हैं, छात्रावास में भी जो प्राप्त की है, और प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस समारोह में और मंचासीन स्वीकृति महोदय, वार्षिक सम्मान समारोह उत्साह के रूप में सभी विद्यालयों में मनाया जाता है। आजकल सरकारी विद्यालयों में बड़े जोश खरोश के साथ सरकार की अनुमति से, सरकार के आदेश और निर्देश से मनाया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। ये साल भर में एक बार ये उत्सव मनाने का दिन हमें मिलता है। शिक्षा समिति पूरे जोश खरोश के साथ इसको मनाती है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोग्राम सिखाती है और मंच पर आकर बोलने की मुख्य भूमिका उनको देते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। साल भर में उन्होंने क्या काम किया, कितनी प्रोग्रेस दी, क्या रिजल्ट रहा, उस सबका प्रदर्शन भी अपने अभिभावकों के सामने, बच्चों के अभिभावकों के सामने शिक्षा समिति दिखाती है। इन सब चीजों को लेकर ही ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। मैं शिक्षा अधिकारी होने के नाते शिक्षा समिति के डायरेक्टर प्रधानाचार्य सबसे मेरा निवेदन है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन होता है, इसी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, इसकी अपेक्षा मैं पूरी समिति पूरी सभी गुरुजनों से करता हूं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मुझे मान सम्मान दिया, अतिथि के रूप में बुलाया, शिक्षा समिति का और डायरेक्टर महोदय का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। गोरी 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 गो
कार्यकारिणी को मैं सादर वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराइयों से आपका आभार। संस्थान ये मेरी माँ को समर्पित है, इन्हीं की प्रेरणा से आज इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये संस्थान है। तो सबसे पहले मैं माँ का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहूंगा। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। औरों को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी का सम्मान एक श्रेष्ठ सम्मान है और यहाँ पर जोड़े का सम्मान किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति टॉक के पुत्र वधु श्रीमती मोनिका चौधरी का चम चम चीनी चटू
यश चौधरी और देवेंद्र मीणा, देवेंद्र मीणा को गंडावर स्वयं माधोपुर के अंदर पोस्टिंग मिली है और यश चौधरी को सौंप के अंदर पोस्टिंग मिली है। रजमर के अभिनंदन, रजमर के अभिनंदन, तालियों की गुंजार से। निदेशक जिन्होंने उस जगह से, उस धरातल से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया, मैं उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ सबसे पहले इनकी पोस्टिंग हुई थी सर की, मैं गुरुजी कहता हूँ। उस समय मेरे पिताजी शांत हो गए थे और उसके 13वें के दिन इनकी पोस्टिंग हुई थी। तब से और तब से लेकर आज तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी शांत हो गए। मुझे और मेरे परिवार को उस मार्गदर्शन में मैं आज आपके सामने हूँ और इन्हीं की कृपा से मेरे छोटे भाई जो अभी उनका सेकंड ग्रेड में चयन हुआ है, तो मैं सबसे पहले इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं पहली बार बोल रहा हूँ मंच पे, हालांकि बच्चों के सामने तो मैं बोलने में झिझकता नहीं, लेकिन पहली बार इस मंच पर बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा तो उसके लिए कुछ अगर त्रुटि रहती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा अनुभव है, ये जो शिक्षा समिति है, चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति है, वे टोंक की एकमात्र ऐसी शिक्षा समिति है जिसमें हर तरह की शिक्षा मिलती है। इसमें बच्चों का जो हर तरह का सर्वांगीण विकास होता है। मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पर योगा शिक्षक रहा हूँ, यहाँ का जो माहौल है वो घर से भी बेहतर है। यहाँ बच्चों को एहसास नहीं होता है कि मैं घर हूँ या घर के बाहर हूँ। मेरा अनुभव है, मैं 2 साल बच्चों के साथ रहा हूँ, आज 1 साल बाद में वापस आया हूँ, तो बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया है और यहाँ पर भी जो एक परिवार की तरह मुझे रखा है, मैं बार बार इनको जितनी बार धन्यवाद दूँ उतना ही कम है। 12 तक इन्होंने छात्रावास को चरम शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया है। दिल की गहराई से रामराज जी का अभिनंदन है, स्वागत है, बारंबार आपका अभिनंदन, बारंबार स्वागत।
चौधरी चरण सिंह छात्रावास स्कूल एवं छात्रावास है, उसके निदेशक श्रीमान हरि राम जी साहब और हमारे बड़े भ्राता श्री लेखराज जी भाई साहब, हीरालाल जी एवं सभी जो इस छात्रावास को आगे बढ़ाने में कई लोगों का योगदान है, वो भी यहाँ पर विराजमान है, उन सभी को भी सादर प्रणाम। और हमारे विद्यालय में जो शिक्षा कार्य कर रहे हैं उन सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित विराजमान माताएं बहनें, आज छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम देखकर अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। पुरानी बातें, पुरानी याद ताज़ा हो गई कि भाई हम भी इसी प्रकार से विद्यालय में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। तो आप सबका धन्यवाद जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपको चार पांच बातों का उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा। आज के इस अवसर पर हमारे यहाँ छोटे छोटे भैया बहन मौजूद हैं, आप सभी के लिए चार पांच बातें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस जीवन को ईश्वर ने चार भागों में विभाजित किया है। एक ब्रह्मचारी आश्रम, जिसके अंतर्गत 25 सालों तक हमें शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करना होता है। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, 25 सालों के बाद में हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और तीसरे नंबर पर उसके बाद में संन्यास आश्रम होता है। और चौथे नंबर पे 75 से 100 साल तक वो वानप्रस्थ आश्रम होता है। तो आज के अवसर पर अभी हमारा जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत 25 सालों तक लगभग हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन इसमें हमारा दो बातों का अपने को ध्यान में रखना चाहिए। एक इसमें सबसे ज़्यादा होता है शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत एक भोजन और दूसरा व्यायाम। तो पौष्टिक भोजन करेंगे और व्यायाम भी हम लोग करें। अगर वह भोजन करेंगे कि व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलने वाला, हमारा शारीरिक विकास नहीं होने वाला। इसी प्रकार से अगर व्यायाम करेंगे और भोजन नहीं करेंगे या कम करेंगे तो उससे भी हमारा शारीरिक विकास, पूर्ण शारीरिक विकास नहीं होने वाला। इसलिए हमें ध्यान रखना है, पौष्टिक भोजन हमको लेना है और व्यायाम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा हम योग प्राणायाम नहीं कर पाए, लेकिन अपने को थोड़ा सा न्यूनतम अपन जो कर सकते हैं वो अपन ध्यान में रखें कि जो सूर्य नमस्कार है वो अपने को सीखना चाहिए। शायद आप लोगों को सिखाया भी गया होगा तो 13 चक्र सूर्य नमस्कार के अपन करें, दैनिक रूप से करें, अपन ताजिंदगी करें। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को व्यायाम कर दूसरे और व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा शारीरिक विकास दोनों बातों पर निर्भर करता है, एक पौष्टिक भोजन और दूसरा व्यायाम। इसी के साथ में हमारा जो 25 सालों तक हमारा जो शारीरिक विकास के साथ ही हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें बौद्धिक विकास ये महत्वपूर्ण है। इसमें भी दो बातों का अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि अध्ययन कार्य, पहला है अध्ययन कार्य और दूसरा है अनुभव से सीखना। तो अध्ययन के हिसाब से हमारा जो चल ही रहा है, आप लोग करी हुए अध्ययन कार्य, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि हमारे जो महापुरुषों की जीवनियाँ, अच्छी कहानियाँ वो भी आप पढ़ें, उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही हम जो अनुभव से जो सीखना चाह रहे हैं, अनुभव किनका, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों का, जो इस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सफल जीवन जिए हैं, उन लोगों की जीवनियों का अध्ययन करके उनके अनुभवों से अपने को सीखना। क्योंकि सारे अनुभव अपन एक साथ अपन स्वयं के ऊपर प्रयोग करके नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारे से पूर्व में जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो अनुभव प्राप्त करे हैं और अपने सफल जीवन जिए हैं, उन लोगों के हिसाब से अपने को अनुभव के आधार पर अपना बौद्धिक विकास करना चाहिए। ऐसे ही
ये चार बातों को अपने को ध्यान में रखना है शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए। परंतु पांचवी बात एक और आती है, वो पांचवी बात क्या आती है कि बहुत सारे दुर्व्यसन हैं, जैसे नशा वृत्ति है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये जो हमारे जो कुछ कुसंगति में रहना, कुछ दुर्गुण है, इन दुर्गुणों को दूर करते हुए अपना अध्ययन कार्य करें, अपना शारीरिक बौद्धिक विकास करें। क्योंकि ये जो दुर्गुण है, ये ऐसी शक्तियां हैं, खराब शक्तियां हैं, जो अपने को एक चुंबक की भांति अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने आप में जकड़ लेती है। अपने को सावधानी पूर्वक इन सबसे दूर रहना है, तभी हमारा शारीरिक और बौद्धिक विकास बना रहेगा। क्योंकि 25 साल तक हम जो विद्याध्ययन, जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम इस समय चल रहा है, ये आगे के जो 75 साल है उसकी ये आधार स्तंभ है। जैसा हम इस समय निर्माण करेंगे, उसी के आधार पर हमारे शेष 75 वर्ष का जीवन गुजरने वाला है। यदि हम अच्छा निर्माण करेंगे तो हमारा जीवन आगे भी अच्छा रहेगा, और यदि हम लोग दूसरे गलत कामों में अपन उलझ गए, गलत शोक में हम लोग उलझ गए, तो हमारा पूर्ण शारीरिक बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा और हम लोग आगे दुखी व्यक्ति दुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जो अभी भी हैं, अभी वो रिटायर हो गए, जो वो हमें कहा करते थे, उन्होंने पढ़ाया इतिहास, तो वो हमें कहा करते थे कि अरे छोड़ो, तुम लोग अभी इस समय पढ़ो, इस समय दुख पालोगे, पढ़ते पढ़ते तो आप लोग आगे जा करके सुख पाओगे, और यदि इस समय अगर तुम लोग मौज शौक में और उलझ गए, खूब सुखी अपना पैसा, माता पिता के पैसे का यदि हमने दुरुपयोग किया, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो आगे जाकर शेष जीवन हम दुख प्राप्त करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आगे अपना बहुत अच्छे प्रकार से शारीरिक बौद्धिक विकास करें। अपन अपने जो गुरुजन हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत अपने ऊपर कर रहे हैं, उस मेहनत का आप प्रतिफल लेवे, उसका सदुपयोग हो, ऐसे आज के इस अवसर पर मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है। धन्यवाद। ये सर्विस में है श्री गोल्ड मेडल, साथ में डॉक्यूमेंट्स फाइल और एक चीर स्मरणीय मोमेंटो के द्वारा तालियों से इनका अभिनंदन है, स्वागत है। और तक यहाँ दिन करके गए हैं और उसी का प्रतिफल है कि आज ये अपने पैरों के अंदर सुदृढ़ रूप में है। और ये भी ट्रेलर है, मैं आपको आज ही बता दूं, ये छात्र आरएस आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है निश्चित रूप से। इन्होंने एक साथ ज्वाइनिंग ली है, इनके लिए तालियों से अभिनंदन। और इस विद्यालय के प्रथम बैच का प्रथम स्टूडेंट के रूप में इसे माना जा सकता है, प्रथम सत्र का छात्र है। वैसे प्रथम स्टूडेंट हरिराम चोपड़ा है जो यहाँ मौजूद है, और ये प्रथम सत्र का ही छात्र है। राकेश चौधरी भी प्रथम सत्र का छात्र है, मंगला चौधरी प्रथम सत्र का। इस छात्रावास के स्टार्ट में 2008 में स्टार्ट हुई, तब इनका तीनों का एडमिशन था और तीनों ने एक साथ विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग ली है। सभी साथी, मैं यहाँ पे इस साला परिवार का वर्ष 2012 से लेके और 2017 तक नियमित छात्र रहा हूँ, और आज भी इस साला परिवार से वैसा ही जुड़ा हुआ जैसा मैं यहाँ बस 2012 में मैंने एडमिशन लिया था। और मेरे आदर्श यहाँ पे आदरणीय हरिराम जी, आदरणीय पूर्ण सिंह जी, जिनकी वजह से आज मुझे ये दिमाग तक पहुँचने का मौका मिला। आज भी ये साला परिवार जो भी यहाँ के पूर्व विद्यार्थी है और जो भी यहाँ पे अध्ययनरत रह चुके हैं, तो सबके साथ उसी तरीके से खड़ा रहता है जैसे वो यहाँ पे नियमित अध्ययनरत थे। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, आपके
इशादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नाज है मुट्ठी भर जमीन पर, अभी तो नाज है मुट्ठी भर जमीन पर, आगे सारा आसमान बाकी है, आगे सारा आसमान बाकी है। अंकित नागर, कुलदीप नागर, नितेश नागर आज हमारे विद्यालय के वो पुष्प हैं जिन पर हमें गर्व है, जिन पर हमें बहुत गर्व है। ऐसे पुष्प आप हमें देते रहे, हम उनका सहयोग करते रहे, माँ सरस्वती उन्हें आशीर्वाद देती रहे। शिक्षा समिति के सदस्यगण, हमारे अभिभावकगण, सारा स्टाफ और प्रिंसिपल मैम,
सभी छात्रों और छात्राओं एवं बाहर से पढ़ाए हुए सभी अतिथिगण माताएं और भाई बहन साथियों, 2007 के अंदर एक छोटे ने चौधरी चरणसिंह शिक्षा समिति ने एक छात्रावास स्टार्ट किया था, जिसकी केवल मात्र 15-20 बच्चे थे जो अन्य विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन इस विद्यालय में केवल छात्रावास रहता था। जब वहां से पढ़ के आए बच्चे उनके स्कूल में टॉप किया तो समिति ने निर्णय लेकर के ये किया कि हमारे स्कूल को भी संचालित किया जाए। इस विद्यालय को 2008 में छात्रावास के साथ साथ विद्यालय के रूप में संचालित हुआ, जो आज इस समय सीमा पर पहुंच चुका है। अंतरों से मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन है कि हम संस्था में बच्चों को एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी नियमित मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, गतिविधि का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे हर माह यह टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के साथ साथ उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी अवगत करा दी जाती है। जब तक ये दो गाड़ी के पहिए हैं, दोनों पहिए अगर साथ साथ नहीं चलेंगे तो हमारा बच्चा कठिन विकास नहीं कर सकता। अभिभावकों का भी उतना ही सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि अभिभावक एक तो ये ध्यान रखे कि बच्चे को कम से कम ले होली दिवाली के बाद त्योहार कपड़ी और हो जी आगे ले आवश्यक त्योहारों करीब ले। इसके साथ साथ बच्चे की नियमित क्या प्रोग्रेस है वो भी आप पूछते हैं, और बच्चों को जीवन के अंदर सीखने के लिए सबसे बड़ी बात है वो है अनुशासन और समयबद्धता। अगर किसी भी बालक में किसी भी व्यक्ति में अगर स्व अनुशासन है तो अपने आप प्रोग्रेस कर लेगा, उसको किसी प्रकार का प्रोग्राम और जो अनुशासन है वो अनुशासन लंबा पीरियड तक नहीं चल सकता। स्व अनुशासन ही अपने जीवन को मजबूत एवं विकासशील, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, छात्रों से अनुरोध है कि स्व अनुशासित होते हुए नियमित अध्ययन करें और अन्य गतिविधियां जैसे खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इन्हीं में नियमित रूप से भाग लें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आज योगा के रूप में इस संस्था का नाम है क्योंकि यहाँ से कई योगा शिक्षक बन करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुके हैं। मैं इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ तथा भगवान से या सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि इस संस्था को मनुष्य प्रकार से परिपूर्ण करते रहे और हमें आशीर्वाद बनाए रखे। हमें बुला करके मान और सम्मान दिया, इसके लिए हम संस्था के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद।
करना चाहूंगा कुछ छात्रों को जिन्हें सम्मानीय मंच एक साथ सम्मानित करेंगे। मैं इस विद्यालय के जो श्रेष्ठ छात्र हैं, परिणाम देने वाले छात्र हैं, उसके पश्चात विभिन्न गतिविधियों करने श्रेष्ठ रहने वाले छात्र हैं, सभी को पुरस्कृत किया जाना है। सम्मानीय मंच से आग्रह है कि मंच पर पधारे। साथ ही संस्था के अंदर सहयोग करने वाले हमारे लाइट के इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे हमारे वाशरमैन हो, चाहे हमारे नल का काम करने वाले व्यक्ति हो, किसी हर प्रकार के जो हमारे सहयोगार्थ हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं, उनको भी मन से सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। महेंद्र चौधरी, सूरज मीणा। स्थान प्राप्त करने वाले, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्र छात्राएं आपके समक्ष मंच पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चों का। निदेशक महोदय की तरफ से जिन्हें प्रार्थना स्थल पर और अन्य गतिविधियों के लिए विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। बच्चों से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और कलेक्शन करने वाले लगे कि हाँ इस फाइल में रखे प्रत्येक दस्तावेज है जो आपके भावी जीवन के अंदर आपके काम आए और हमें संतुष्टि मिले, हम प्रसन्न हो जाए, ऐसा उम्मीद के साथ हम आपसे
आपको बधाई देते हैं, अगले सत्र में पुनः आमंत्रित करते हैं। ये सभी हमारे होनहार छात्र हैं और रियली गजब स्टूडेंट हैं, इनका ट्रक भर के बधाई देता हूँ मैं हृदय की गहराइयों से बारम्बार आपका अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया जोरदार। ये महेंद्र जाएंगे और अशोक जाएंगे, आप सभी का अभिनंदन स्वागत, वेरी गुड। हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में स्वास्थ्य के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रभु आपसे आगे आशीर्वाद देते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, आपकी राजी का हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, बच्चों को सहयोग मिलता रहेगा। यूनिवर्सिटी से पूर्व छात्र से उपाध्यक्ष से और यहाँ जिस भाई बहन को यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में भी समस्या है, तुरंत समाधान के लिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार बनूंगा। मेरा नाम राजीव तोगड़ा है, मैं ग्राम माधोगंज से हूँ और मैं वर्तमान में यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और बड़ा भाई कांड उतरे पतंजलि का सबसे बड़ा सेंटर और जो यहाँ का पूर्व एंड लंबे समय तक स्टूडेंट था और मैं भी लगभग 6 साल तक। मेरा नाम दिनेश चौधरी, पतराजपुर एमटीपीसी रेलवे की तैयारी में। मेरा नाम चंद्र प्रकाश योगी है, मैं भी बीएससी कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से और साथ ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम राहुल चोपड़ा है, मैं जिरोना गांव से हूँ और मैं यहाँ पे 6-7 साल और मैं सेकंड ईयर में हूँ। मेरा नाम सुखी चौधरी है, इस वीक वगैरह रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे 12 साल गुजारे हैं। ये संस्थान बहुत अच्छी है, मैंने अब न्यू ईयर से और अब इसी बोर्ड से RSIS की तैयारी कर रहा हूँ। ग्राम नागरिक से हूँ, मैं अभी कम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहित चौधरी, मैं इस छात्रावास का सर्वप्रथम छात्र रहा हूँ और माध्यमिक परीक्षाओं में मेरा परिणाम वास्तव में अच्छा रहा है। मेरे साथ के सभी जो अगली पंक्ति में आप देख सकते हो, सभी प्रथम छात्र के बैच के छात्र हैं और हम सभी वर्तमान में जयपुर शहर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप नागर है, मैं करार बुंदी का छात्र हूँ और मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, मैं अभी BSc कर रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई अंकित यहाँ का टॉपर है और वो RS प्री का एग्जाम पास कर चुका है और मेंस की तैयारी कर रहा है। मेरा नाम अजय चौधरी, गांव मुंडिया कला, वर्तमान में LLB चल रही है। मेरा नाम विनोद कुरालिया, एक से लेकर 12th तक मतलब 12 साल तक यही रहा था और वर्तमान में जयपुर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम खेमराज चौधरी है, मैं रामकंड और मैं यहाँ पे 3 साल स्टडी करके गया हूँ और मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन गुजर है, मैं यहाँ पे हॉस्टल में मैनेजर के पद पर रहा हूँ PGV और मैं वर्तमान में सेल्स मैनेजर के पद पे हूँ फाइनेंस में। विराजमान है, सभी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हमारे गणमान्य अतिथियों से। पूर्ण ज्ञान देने की सारी कला उठाती है, जिम्मेदारी उठाती है श्रीमती चेतना देवरा।
साथ शिक्षा समिति का ज्ञान मौसम के लिए गांव से पधारे हुए अभिभावक और प्यारे बच्चों, मैं रामलखन मीणा वर्तमान में यूपीएस गुजरा तहसील बैंकर संबंध में पोस्टेड हूँ। मेरे को यहाँ मैं 2008 में कक्षा 8 में एडमिशन लिया था और यहाँ पे मैंने स्कूल लेवल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में सेकेंड ईयर तक यहाँ से किया, बाद में 2014 में जयपुर निकल गया। जयपुर निकल करके मैंने बीएड की डाइट पूजा की थी कॉलेज से, और बीएड करने के बाद में तुरंत रीट की भर्ती आ गई थी। भर्ती आते ही मैं तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर ली। 3.5 महीने मैंने कोचिंग की तो मेरा पहली बार में सेलेक्ट हो गया मैं, और मेरे यहाँ का लोग बहुत ही अच्छा रहा। और हॉस्टल की जो भी लाइफ मेरी यहाँ पर अच्छी प्रकार की, जैसे बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था के लिए, खिलाने के लिए या और भी सभी प्रकार की व्यवस्था थी।
सब्जी वगैरह लाने की सभी तरह की व्यवस्था की, बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पर मान और सम्मान दिया, बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे सामने विराजमान सम्मानित मेरे भाई बंधु, मैं इस संस्था में 2011 में एडमिशन लिया था कक्षा 9 में, और यहाँ से 12वीं पास करके ही यहाँ से निकला था। जब मैं यहाँ आया था तो मेरी शरारतें बहुत ज्यादा थी, तो मेरे से सर भी परेशान थे और घर वाले भी परेशान थे। बाद में जैसे जैसे मार्गदर्शन मुझे सही मिला, मैंने अपनी सारी हरकतें ठीक कर ली, और जब मैं यहाँ से निकला तो एक सिंसियर विद्यार्थी के रूप में निकला। और उसके बाद मैंने 2015 में बी ए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, और कुछ मार्गदर्शन सही नहीं होने की वजह से मैं फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने योगा में एडमिशन लिया, और उसमें मेरे पिताजी का बहुत मुझे इसकी सलाह दी थी, और मैंने बीएससी और मास्टरी योगा मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, और वहीं से ही मैं चुनाव भी लड़ा 2019 के अंदर, और मैं निर्विरोध छात्र संघ उपाध्यक्ष चुना गया। यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय दोनों ही विद्यालय के संगठक कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ किसी भी समस्या हो, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स की मार्कशीट खो जाना, आपके प्रैक्टिकल नहीं होना, या किसी पेपर में नियमितता के अभाव में, या कैसी भी परेशानी हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ संस्था के संचालक जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। मेरे सामने उपस्थित मेरी माताएं और बहने और मेरे प्रिय साथी, मैं इस हॉस्टल जिस वर्ष ये हॉस्टल ओपन हुआ था 2007 में एडमिशन ले लिया था क्लास फर्स्ट में, और क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक मैं और मेरा भाई दोनों गिरिराज पुरालिया गर्मी विद्यालय में एडमिशन लिया था, और कक्षा 1 से लेकर 12th तक इसी हॉस्टल में रहे थे, और ये अपनी पढ़े थे, सबका यही करे थे। उसके बाद हम जयपुर चल गए तैयारी करने लग गए, और वह आज वो तो BSM रेडियो ऑपरेटर में कॉन्स्टेबल है, और मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो सभी अभिभावकगण और स्टूडेंट से निवेदन है कि अपन किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा देखेगा नहीं करनी चाहिए, केवल 3 चीजों पर विश्वास जताना चाहिए। पहली चीज स्कूल का कैंपस, इंस्टीट्यूट का कैंपस, दूसरी चीज वहां का मैनेजमेंट, और तीसरी चीज वहां का बूथ पहले का रिजल्ट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अगर ये 3 चीज सही है तो वो इंस्टीट्यूट गारंटी है कि वो इंस्टीट्यूट बहुत बेस्ट प्रदर्शन देगा। यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट की भूमिका नहीं रहती है, भूमिका इन दोनों के बराबरी अभिभावकों की रहती है, क्योंकि अभिभावक भी बराबर अगर उच्च करके चलेगा तो जरूर बच्चे से पलोंगे। इस बात की तो गारंटी नहीं दी जा सकती है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे या एडमिशन लेने वाले बच्चे जरूर गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, लेकिन इस बात की जरूर गारंटी दी जा सकती है कि यहाँ पे जिसने एडमिशन ले लिया और यहाँ के टीचर्स के मार्गदर्शन में चला, वह अपने जीवन में अच्छा इंसान जरूर बन जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूँ। सफल हो या न हो, मंजिल मिले या न मिले, ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि गण एवं बाहर से पधारे सभी अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नितेश नागर है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे को इस छात्रावास में पढ़ते हुए 6 साल हो गए हैं, और 7वां साल प्रगति पर चल रहा है। मैं
बूंदी जिले के अनेटा गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान कमलेजी नागर है और हम तीन भाई है। तीनों भाइयों ने इसी छात्रावास में यहीं पर रहकर अपना जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से चालू किया था। मेरे जो बड़े भैया है उन्होंने सन 2015-16 के अंतर्गत भास्कर स्कूल में पढ़कर टॉप फाइव में जिले में आकर इस छात्रावास का, इस संस्था का और मेरे माता पिता का नाम रोशन किया था। और इसी के साथ गत वर्ष मेरे जो बड़े भैया है जिनका नाम कुलदीप नागर है उन्होंने 90 प्लस बनाकर टोंक जिले में टॉप थ्री में आकर इस संस्था का नाम रोशन किया था। और गत वर्ष हम 10th क्लास के 5 छात्रों ने भी भास्कर स्कूल में टॉप थ्री में आकर इस संस्था का नाम रोशन किया था जिसमें भी मैं एक हूँ। इसी के साथ मैं आपको, जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो बहुत छोटा था, मैं शुरू में जब यहाँ आया था तो 3rd क्लास में आया था। मैं यहाँ पर 5-6 दिन के लिए आया था कि देखते हैं हॉस्टल में क्या होता है, छात्रावास में क्या होता है। मैं गुरुजी के साथ रहा, उन्होंने मेरे को बिस्कुट खिलाए, हर कुछ किया, उनके साथ घूमा फिरा। जब मेरे पिताजी वापस लेने आए तो मैं उनको बोला पापा मैं तो यहीं पढ़ूंगा। पापा बोले नहीं, दो तो पहले पढ़ रहे, तू पढ़ के क्या करेगा। मैं तो सर को आके बोला सर मैं तो यहीं पढ़ूंगा, आप कुछ ही कर लो। सर बोले मैं तेरे को यहीं रखूंगा और पिताजी से मैं बात कर लूंगा। इसके बाद मेरे को पता नहीं है, मैं जब से यहाँ से अध्ययन कर रहा हूँ और अभी भी इसी छात्रावास में हूँ और 12th क्लास भी यहाँ से क्लियर करूँगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 12th क्लास में 90 प्लस बनाकर इस छात्रावास का नाम रोशन करूँगा। इसी के साथ अपने जो डॉक्टर सौरभपल्ली राधाकृष्णन थे जिनके जन्मोत्सव को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कहा करते थे कि शिक्षक के साथ बिताया हुआ एक दिन, शिक्षक के साथ बिताया हुआ एक दिन हजारों दिनों की कठिनाई के बराबर होता है। तो हम तो साल भर 24 घंटे ही शिक्षक के साथ रहते हैं, समस्या का, कठिनाई का तो सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ मैं अपना स्थान रखूंगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें मुख्यमंत्री चौधरी साहब का। छात्र और विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अतिथि, सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत। मैं यहाँ का पूर्व छात्र रहा हूँ, पढ़ाई है उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बहुत कुछ कह दिया लोगों ने, तो बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं है। फिर भी मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं या आए, जो भी कोई बच्चे आगे प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे, यही कह के मैं अपने स्थान ग्रहण कर सकता हूँ। नीचे पर्स भी नहीं थी, ऐसी परिस्थितियों में अभिभावकों ने मुझ पर विश्वास किया, ये मेरे परिवार की गुडविल पर विश्वास किया और 17 छात्रों से ये संस्थान प्रारंभ किया। निरंतर उसके बाद उन अभिभावकों ने पूर्ण विश्वास जताया और अगले वर्ष 34 वर्ष 34 छात्र 33 वर्ष 70 300 150 आज 200 225 छात्र यहाँ पर अध्ययन रहते हैं। तो निरंतर अभिभावकों का विश्वास और मेरे कार्य करने की क्षमता, मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस था कि यस मैं इसमें सफल होऊंगा। पहले दिन ही कह दिया था इस संस्थान को टॉप के अंदर टॉप 5 संस्थानों में पहुंचाना है, तो अभी टेलर है, फिल्म बाकी है, निश्चित रूप से टॉप 5 में पहुंचना है। रिजल्ट आपको बताया जा सकता है कि इस छात्रावास के दो छात्र ऐसे हैं
जो भास्कर स्कूल में पढ़ते हुए इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ और 80,000 रुपए चार साल तक उन्हें कंटिन्यू मिले हैं, जिसमें गिरिराज कुड़ालिया जिनके 100 में से 100 नंबर मैथ्स में थे, साइंस में 100 में से 98, संस्कृत और सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अंदर 97 नंबर थे। तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है और हमारे जो तत्कालीन अध्यापक थे उनपे भी मुझे गर्व है और आज भी उनका यहाँ से मंच सम्मानित करने का यही वजह थी कि उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया। आज जो मेरे विद्यालय की टीम है आठ ही तक का विद्यालय मात्र यहाँ पर है, बाकी दूसरे विद्यालय में जाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आज का जो मेरा स्टाफ है निश्चित रूप से आपको मोमबत्ती लेकर ढूंढोगे तो मुझे नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करते हैं, इतना रिजल्ट देते हैं, एक एक बच्चे पर इतनी नजर रखते हैं, उनकी राइटिंग सुधारना है, उसकी अशुद्धि निकालना है, इन सब चीजों के अंदर निश्चित रूप से उनकी जो मेहनत है वो आगामी समय के अंदर इन बच्चों के साथ साथ इनके परिवारों के साथ साथ इन परिवेश के अंदर एक नया माहौल पैदा करेगी, ऐसी मेरी पूर्ण उम्मीद है मुझे। और आगे भविष्य के अंदर हमारी प्लानिंग है जो सफल हुए कि जिस स्कूल में हमारा स्टूडेंट जाता है टॉप 10 में से टॉप 5 स्टूडेंट हमारे होते हैं, ऐसा अब तक का रिकॉर्ड रहा है। बोर्ड कक्षा चाहे पांचवी बोर्ड ले लीजिए, आठवीं बोर्ड ले लीजिए, दसवीं बोर्ड ले लीजिए, ट्वेल्थ बोर्ड ले लीजिए, प्रत्येक बोर्ड के अंदर हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर 5 स्टूडेंट में से 1 या 2 स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह छात्रावास का होता है। दूसरी उपलब्धि योगा के अंदर, अभी बताया था छात्र ने कि एक छात्र यहाँ पर योगा का डॉक्टर है, योगा में डॉक्टर है जिसका नाम आसाराम तोमड़ा और माधोगंज से राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों पुरस्कार इन छात्रों ने प्राप्त किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 3 छात्र योगा में गए जिनकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा बाहर जाने की गई थी। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगातार प्रेरणा मेरे गुरुजी सागर मल चौधरी साहब से मिलती रहती है, मेरे बड़े भाई स्वरूप लेखराज मावर साहब है, इनका निरंतर मुझे सहयोग आशीर्वाद हम से ये नहीं देखते कब फोन करना है, जब भी आवश्यकता होती है एक दूसरे परामर्श कर लेते हैं। प्रिंसिपल मैडम साहिबा है, इनका आशीर्वाद जो कि इनका इतना लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, ये अनुभव हमें मिल रहा है, हमारे शिक्षकों को मिल रहा है, इन नन्हे नन्हे बच्चों को मिल रहा है और निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो ये बच्चे जो है जहां भी जाएंगे एक अच्छे कमल के फूल की तरह खिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक छात्रावासी जो लगने वाले छात्र थे जिसमें भी आपके सामने आया था, उक्कम सिंह चौधरी, राम सिंह चौधरी, जयकिशन चौधरी, तीन भाई और तीनों भाई यहां पढ़कर के गए तीनों आज सरकारी सेवा में चयन। दूसरे तीन भाई का विवाह दूसरा बता दू, राकेश चौधरी, विनोद चौधरी, मनराज चौधरी, ये भी तीन भाई है, तीनों यहां से पढ़कर गए, एक साथ सर्विस ले गए। कुछ बालिकाएं थी उसमें गुजरे जो भी हैं, आपने देखा हो शिव शक्ति ढाबा बनास पुलिया से थोड़ा सा आगे, उनके सारे छात्र यहां पढ़ के गए, एक कृष्ण चौधरी जो आज गवर्नमेंट जॉब में है, सुनीता चौधरी, ये गीता चौधरी है जो अपने हाथीपाटा खेड़ा के आगे गोहटा गांव वहां से है, वो भी गवर्नमेंट शिक्षिका है। तो बालिकाएं भी रखी गई है और सब सक्सेस है और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में ये जो वर्तमान छात्र है उनसे भी अच्छे पद प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कोई अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप भी कोई आपके मन में विचार हो सुझाव हो तो प्लीज आप अपना विचार या सुझाव दे सकते हैं, आपके लिए खुला मंच है। अभी कार्यक्रम और है, दो कार्यक्रम अभी मैंने बताया है कि बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, बच्चों की इच्छा और अभिलाषा है, तो बच्चों की इच्छा और अभिलाषाओं की सम्मान किया जाता है, उन्हें दबाया नहीं जाएगा, दोनों कार्यक्रम के लिए छात्र तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत।
सुना ही बात तो मेरी बात कहाँ ढूंढोगे शहर में जब तुम्हारा ही रात जो सारी दुनिया सो जाती है तो भारी हो जाती है अब तो भारी भी चल ये हो पाती है सारी दुनिया सो जाती है अब तो भारी हो जाती है अब तो भारी भी चल ये हो पाती है सारी दुनिया relax man your body with the good man 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 your body with the good man relax man your body with the good man your body with the good man relax man your body with the good man your body with the good man टू चील पतंदर राफ्टर पारी घर के अंदर घर है देखो भूत वाला टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है मुझको बस जागना है पत्तों को टपकों जिसको भागना है कितने सालों से हम रात को तो सोते हैं रात क्या बोलते हैं भूत थोड़ी होते हैं बुलाओ जिसको नाचना है ना चाहो मेरे साथ शर्त लगाओ ये ये व्यक्तित्व के धनी श्रीमान दिनेश जी बुंदेल नगर संघ चालक जी श्रीमान जी माणक जी सोरेन प्रिंसिपल साहब चौधरी साहब सागरमल जी और सत्यनारायण जी हमारे भ्राता श्री आनंदीलाल जी और समस्त मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। बहुत पावन मंच है, बहुत पवित्र मंच है जो कि शिक्षा को समर्पित है और आज के इस शुभ अवसर पर सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त है कि अक्षय सूत्रांग कुछ तरह पास पुस्तक धारिणी मुक्त हार समायुक्ता माची तिष्ठ तुम है सदा कि मैं माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस हॉस्टल के बच्चों को विद्यालय के बच्चों को और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बंधुओं को भगिनियों को आशीर्वाद प्रदान देती हैं और उस आशीर्वाद प्रदान स्वरूप ही आज ये चौधरी चरण सिंह विद्यालय और छात्रावास आज इस सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से जिन्होंने राजस्थान बोर्ड में सेंट्रल की सर्विसेज में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपनी योग्यता के को प्रमाणित कर दिया है और योग्यता के झंडे गाड़ दिए हैं वो निश्चित रूप से ये मानकर चले कि उसकी नींव की यूनिट में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका अमूल्य योगदान है और ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष नहीं है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार से जब से जुड़ा हुआ हूं तब से मैं कॉलेज विद्यार्थी था और हरिराम जी ने और हमने मैंने भी सर्विस लगने से पहले और कैलाश जी और शिव नारायण जी हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में स्ट्रगल किया है। तब कहीं जाकर के हमने एक योजना बनाई और उस योजना का एक वट वृक्ष के समान चौधरी चरण सिंह विद्यालय और हॉस्टल आज हम उसको देखते हैं। निश्चित रूप से और इस अवसर पर वैसे बहुत से विद्वानों ने और एमिलियन स्टार्स ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं इस विद्यालय के परिवार के लिए समिति के लिए विद्यालय स्टाफ के लिए क्योंकि मैं मेरे ख्याल से आप सब जितने लोग उपस्थित हैं
उन सबसे ज्यादा आगमन मेरा इस हॉस्टल में होता है। और मैं किसी भी योजना के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी भी रहती है और मैं जिम्मेदार भी रहता हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यह स्टाफ जो वर्तमान में है और पहले का स्टाफ भी है, उन सब का 100% योगदान है इस विद्यालय को इतनी ऊंची उन्नति कराने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए। मैं देखता हूं कि कई बार माता पिता सिर्फ इस बात के लिए तार्किक बहस करते हैं कि हमारे विद्यालय में जो पढ़ने वाला उनका बालक बालिका है वो उस दृष्टि से देखते हैं और कंपटीशन की दृष्टि से देखते हुए ये कल्पना करते हैं और ये एक अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बालिका पिछले साल की तुलना में जिन बच्चों ने जिन विद्यार्थियों ने बहुत श्रेष्ठतम अंक प्राप्त किए हैं उससे भी अच्छा मेरा विद्यार्थी भी हो, मेरा बालक बालिका भी हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम ये जानते हैं, कई बार मैं इनके साथ जनसंपर्क में जाता हूँ तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास आने वाला जो बालक है वो 100% ग्रामीण परिवेश से आता है और उस बालक को उस शहर के माहौल में ढालना और शहर की संस्कृति और कल्चर को सिखाना ये इन्हीं स्टाफ की जिम्मेदारी है और उसको साथ रखकर एक एक गुण एक एक संस्कार कराए जाते हैं तब जाकर हमें यह एक बालक और बालिका कोहिनूर के रूप में दिखाई देता है, एक मोती के रूप में हम उसको निखार पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी पधारे इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विद्यालय के स्टाफ से मैं आपकी ओर से उनको आश्वस्त करता हूं और स्टाफ की ओर से आप लोगों को अभिभावकों को भरोसा दिलाता हूं कि स्टाफ की तरफ से 1% भी आपके बालक बालिकाओं को संस्कार देने में शिक्षा देने में जरा सी भी कोताही नहीं बरती जा रही है। अभिभावक के द्वारा लगाया गया एक एक पैसा एक एक पाई 100% आपके बालक और बालिकाओं की उन्नति के लिए और विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपने अमूल्य समय प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जयपुर से 10 बजे बैठा हुआ था तो उस समय थोड़ा सा 10-20 में खराब होने की वजह से तो मुझे देरी से होना पड़ा। यहाँ पे ये सबसे पहले तो हरिराम जी अंकल जी का और बाबा अंकल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 साल बाद मुझे यहाँ वापस अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका इन्होंने दिया वापस से इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमने अभी बस स्टैंड से आ रहा था तो मतलब वो जो पुरानी यादें थी वो वापस तरोताजा हो गई मेरी कि मैं यही रंग में पढ़ा करता था, रामकृष्ण भैया ये सब पढ़ाते थे हमारे को, देवेंद्र भैया जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर्स थे उनका भी बहुत मोटिवेशन था मेरे लक्ष्य में। मतलब हमें कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी तो ऐसा नहीं होता था कि हमें टीचर से ही पूछना पड़ता था, हम हमारे जो भी सीनियर्स थे डिस्कस कर लिया करते थे और साथ में जो संस्था का जो डिसिप्लिन था और जो यहाँ की क्लासेस का टाइम टेबल वगैरह था जैसे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह वो सब एकदम सिस्टमेटिक होता था।
क्योंकि मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स देखे, पर जो यहाँ का जो एनवायरमेंट मुझे मिला है वैसा मैंने कहीं भी किसी भी हॉस्टल में नहीं देखा। तो एक बच्चे के अगर अपन सर्वांगीण विकास की बात करें तो वह इस हॉस्टल में देखने को मिलता है। आप खेल के माध्यम से देखें, खेल में भी इस छात्रावास के बहुत सारे बच्चे नेशनल स्तर पे अपना योगा बनवाया, उन्होंने बहुत सारे योगा के नेशनल में गए, हैंडबॉल में। यहाँ से जितने भी छात्र निकले हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे अभी अपना अपना क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बाकी तो बस मैं मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे ही कुछ कारणवश मतलब मुझे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में जाने का इच्छा थी, तो पापा ने इंग्लिश मीडियम बीस स्कूल से मैं पढ़ा जो टोडा तहसील के अंदर कन्हैयालाल जी एमएलए साहब की जो स्कूल है वहां से मैंने सिक्स क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक वहां से अध्ययन किया मैंने। उसके बाद सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने एनआईटी सूरत से जो जेईई मेंस का पेपर है वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद में मेरी ऑल इंडिया रैंक ओबीसी कोटा से 6377 रैंक थी, तो उसके माध्यम से मुझे एनआईटी सूरत सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ कॉलेज। तो वहां पे मैंने 4 साल अपने पूरे किए। फिर अभी मैं लास्ट ईयर में जो मेरा कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू जेके लक्ष्मी सीमेंट में मैं सिविल इंजीनियर के तौर पे कार्य कर रहा हूँ, अच्छी सेवाएं दे रहा हूँ। और जो भी यहाँ के पास जो छोटे भाई बहन है मेरे आने वाले जितने भी छात्र है उनसे मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी उनको मेरी गाइडेंस की जरूरत है या कभी भी मेरी मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो मैं हमेशा इस छात्रावास के लिए हमेशा तत्पर। कभी भी किसी का अगर फोन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब जहां से मैं पढ़ा हूँ वहां से मतलब ऐसा होता है कि जिस ग्रास रूट से अपन पढ़ते हैं या जहां से मतलब सबसे पहला जो अपना स्कूल होता है वहां से उन चीजों को बुलाया नहीं जा सकता। कॉलेज के दोस्त होते हैं वह ज्यादा दिन तक नहीं रहते, या फिर जो अपन किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं तो वो उनके साथ अपना इतना रिलेशन नहीं रहता। पर जब अगर अपन किसी हॉस्टल में रहते हैं या फिर वहाँ की जो अपनी मेमोरीज बन जाती है वहाँ के जो दोस्त बनते हैं वो अपने लाइफ टाइम तक अपने साथ रहते हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारे दोस्तों के साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, आसाराम चौधरी हो गया, फिर विनोद कुड़ालिया हो गए, गिरिराज हो गए, उनके साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, मेरी बात होती रहती है। तो ये सब हरिराम अंकल जी की देन है। और यहाँ पे मुझे इस छात्रावास में रहते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि एक हॉस्टल में रह रहा हूँ या फिर कभी ऐसा हुआ अंकल जी को अंकल बोल के पुकारते थे, जब खाना खाने जाते थे तो काकी बोलते थे, तो मतलब वो एक घर वाला जो प्यार होता ना वो घर वाला प्यार हमेशा हमें यहाँ पे मिला। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार कि स्कूल में रह रहे हैं या फिर इतनी दूर घर से आके रह रहे हैं, बल्कि ऐसा होता था कि गर्मी की छुट्टियों में जब हमें लगती थी तो मैं 10-12 दिन बाद ही घर पे जाता था, कोई भी ऐसा घर जाने की इच्छा नहीं करती थी क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था, खेलने की जो फैसिलिटीज थी वह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रोवाइड कर रखी थी। तो आज मैं 10 साल बाद कम से कम मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, तो मैं वापस से उन सभी यादों के साथ एक बार वापस से तरोताजा होकर जाऊंगा। धन्यवाद सर। भगवान वासे तो
आदरणीय नीतीश मोदी, आदरणीय मुख्य अतिथि मोदी, प्रिंसिपल मैडम एवं चौथे अभिभावक दोनों ने आपके साथ कुशलता वार्ताओं देते हुए समय करें अनुमान गलत हो सकता है कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। अनुमान हमारे मन का अनुमान है, अनुभव हमारे मन की सीख है। तू तेजी लगी क्या बात करे, तू तेजी लगी क्या बात करे, दुनिया में हाल कमाएंगे, हम रुक जा मेहनत जा रही है, हम फिर से मोल कमाएंगे, कुछ लोग देख कर जलते हैं, कुछ लोग देख कर जलते हैं, जलाएंगे दुनियादारी मतलब की है, हम नाम ट्रेंड चलाएंगे, हम नाम ट्रेंड चलाएंगे, कुछ लोग देख कर जलते हैं, कुछ लोग देख कर जलते हैं, उनको और जलाएंगे मतलब की है, ट्रेंड चलाए। जो अपने कामों में व्यस्त है, जीवन उसी का मस्त है जो अपने कामों में व्यस्त है, परेशान तो वह है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है, परेशान तो वह है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। तीन जगह विद्यालय विकास समिति और चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति का नाम रोशन करेंगे। बीच में मैं कुछ हमारे महानुभवों के नाम घोषणा करना चाहूंगी जो हमारे विद्यालय विकास समिति के सहयोग राशि के रूप में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। श्री राजू जी चौधरी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। करीमपुरा वाले 2100 रुपए की राशि आपने विद्यालय विकास समिति को दी है। और शिवजी राम जी चौधरी चोरू, 1100 रुपए की राशि आपके द्वारा प्रदत्त की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों की तरफ से। सरस्वती विद्या मंदिर के निदेशक महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी की तरफ से 2100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं सहयोग श्रृंखला में आशाराम चौधरी तोड़ा राय सिंह, 1100 रुपए की राशि आपके द्वारा प्रदत्त की गई है। जोरदार तालियां बजा के
मेरे भाई बहन और मेरे प्यारे भाई भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपके सामने कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ, कुछ गलतियों को क्षमा करें। मैं यहाँ छात्रावास में रहकर मेरा आत्मविश्वास जागृत किया, छात्रावास में रहकर मैं बाहर की दुनिया जाना और मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशन बोलना चाहता। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने पर आत्मविश्वास कमजोर होता है, तुलना करने पर आत्मविश्वास कमजोर होता है। खुद पर भरोसा रखेंगे तो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ भी हासिल कर पाएंगे। मैं ये कहकर सभी का आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है।